हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हर रोज की तरह मैं आज भी करंट फीलिंग्स का रीडिंग करने वाली हूँ। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी और जिस भी दिन आपके सामने आ रहा है आप देख सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स वीडियो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है मेरे पर्सनल रीडिंग के नंबर है। जिनको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना है इसी नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है, सो आपको पेमेंट करके बुक करना होता है, यानी पैसा देकर बुक करने होते हैं। सो जिनके भी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है आप लोग ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग, ताकि आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिले और रीडिंग के हिसाब से आपको रिजल्ट भी दिखे। चलिए देख लेते हैं आज के दिन में आपके पर्सन की एनर्जी कैसा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल प्रेडिक्शन रेजोनेट नहीं करते हैं या फिर रिजल्ट नहीं दिखते। डिपेंड्स कर रहा है आपका इंट्यूशन कितना आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि जनरल प्रेडिक्शन में जो बोला जा रहा है वो कितना उनसे रेजोनेट कर रहे हैं, उनकी सिचुएशन के साथ जा रहे हैं। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आपको समझ में आए, यस बिल्कुल ये मेरी ही एनर्जी है, मेरे ही रिलेशनशिप की एनर्जी है और होप आपको रिजल्ट दिखेंगे उसके हिसाब से। चलिए देख लेते हैं आज के दिन में आपके पर्सन की एनर्जी कैसा है। प्लीज एंड सो गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जो लोग भी रीडिंग को देख रहे हैं उनके लव्ड वन की करंट एनर्जी क्या है, आज के दिन में क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है उनके लाइफ में, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की, मेरे व्यूअर्स के सबकॉन्शियस माइंड में, दिल दिमाग में जो पर्सन है उनकी एनर्जी क्या है, कैसा है। प्लीज एंड सो गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की एनर्जी आज के दिन में। कुछ चीज़ों को आपके पर्सन हाइड कर रहे इस टाइम पे। फोर ऑफ सोर्स, एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, बॉटम से है स्ट्रेंथ, हेल्थ इशू नजर आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। और कई दिनों से विक्ट्री की एनर्जी भी बार बार आ रहे हैं, जैसे कि कल की रीडिंग में भी विक्ट्री की एनर्जी आया था। सो आपके पर्सन जीत में हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स उनके रास्ते पे आ रहे हैं, उनके करियर पे, रिलेशनशिप पे आ रहे हैं, वहाँ से सक्सेसफुली बाहर आने की कोशिश में इस टाइम पे आपके पर्सन है। ठीक है, और साइन यहाँ पर दो मेजर अरगाना आए हैं, जहाँ पर लियो एंड एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्यूरस, लिब्रा, जेमिनी ऑल साइन हैं। सिक्स कार्ड में से ऑल साइन आ चुके हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के तरफ, मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे हर एक कार्ड को। हेल्थ इशू मेजर लेवल पे नजर आ रहे हैं आपके पर्सन के इस टाइम पे। ठीक है, हेल्थ इशू है आपके पार्टनर को। बॉटम से है सिक्योरिटी। ओके, सो देखिए हेल्थ इशू तो कॉन्फर्म है, दोनों डेक से हेल्थ इशू मुझे नज़र आ रहे हैं और आपके पर्सन काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं, कॉन्सर्न, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग और चिंता करने की एनर्जी है। और यहाँ पर एम्परर का कार्ड भी वही शो कर रहे, सो रिपीट हुआ है, तीन चार कार्ड में से भी ये एनर्जी रिपीट हुए हैं। करियर में वो ग्रोथ चाहते हैं, करियर में सक्सेस चाहते हैं और बिल्कुल वो कुछ चीज़ों को हाइड कर रहे, छुपा रहे। यहाँ पर टू फेस की एनर्जी है जो कि दिखा रहे कि वो कुछ चीज़ों को हाइड कर रहे हैं। सो मैंने थोड़ा एडजस्ट किया ताकि आपको दिखे अच्छे से। चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को और देखते हैं डीपर लेवल पे क्या मीनिंग है।
प्लीज इनसे क्लैरिफाई करें सारे कार्ड्स क्यों आए हैं, इनका डीपर मीनिंग क्या है, क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन के लाइफ में आज के दिन में। तीन स्टार डेक एंजल, फोर ऑफ सोर्स कार्ड क्या दिखाना चाहते हैं, ब्रेकअप सिचुएशन है या फिर बातचीत नहीं हो रहा है, जो भी इंसान आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन अपसेट है उस सिचुएशन में, सो उनके साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रहा है जो भी उनको कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोग के लिए कोई फीमेल हो सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड है। यहाँ पर एम्परर कार्ड प्लीज एंजल गाइड करें, हार्ट ब्रोकन है बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, उनका दिल दुखा है और थर्ड पार्टी के साथ टावर मोमेंट आया है। नंबर थ्री के साथ टावर कार्ड है जो कि यही दिखाई दे रही कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में टावर मोमेंट है, जो भी ऑब्स्टिकल्स डाल रहे थे आपके पर्सन के रास्ते पे वहाँ पर आपके पर्सन मूव ऑन कर चुके उस सिचुएशन से, ठीक है, वहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उनके साथ। सो कुछ लोगों के लिए अगर कोई बॉसी नेचर के कोई इंसान है उनके लाइफ में या फिर उनके फादर है, तो ऐसी केसेस में उनके साथ बातचीत अच्छे से नहीं हो रहा है, उनके ऊपर गुस्सा है और इमोशनली डिटैच हो रहे हैं आपके पर्सन। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आया है, सेवन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वैंस, थ्री ऑफ वैंस, थर्ड पार्टी से आपके पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, थर्ड पार्टी से भाग के आने की एनर्जी है, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से वो भाग के आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और आपके लिए डेफिनेटली बहुत प्यार है उनके दिल में और वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं और लॉयल हार्ट है आपके लिए, बिल्कुल लॉयल है और आप ही उनका विश फुलफिलमेंट है नाइन ऑफ कप्स के साथ। सो देखिए जिनका भी ब्रेकअप सिचुएशन है, ओके, हेल्थ इशू मेजर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और काफ़ी टाइम से अगर आपके पर्सन के हेल्थ इशू चल रहा था तो रिकवरी आ सकता है आज के दिन में, अदरवाइज ज़्यादातर लोगों के पर्सन की हेल्थ इशू है मुझे नज़र आ रहा है बहुत स्ट्रांगली, और कुछ ना कुछ टेंशन वगैरह है इस टाइम पे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से जो है यहाँ पर आपके पर्सन अपसेट है और हेल्थ इशू हो रहा है उनको। जो भी हो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, आपकी कोई ना कोई विशेस फुलफिल हो सकता है इस टाइम पे, जैसे कि आपके पर्सन आपकी तरह वापस आ सकते हैं, ठीक है, आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं क्योंकि वो थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे, थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप सिचुएशन है। यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल कार्ड क्यों आया है, टेन ऑफ पेंटिकल कार्ड, ओके, देखिए नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर आया हुआ था और यहाँ से भी एट ऑफ वैंस की एनर्जी है, बहुत जल्दी वो आपको रीच आउट करने वाले हैं, ठीक है, कॉल मैसेजेस करने वाले हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आने की एनर्जी है और जितने भी लोग मैनिफेस्ट किया है उनकी विश फुलफिल होगा इस 11/11 पोर्टल पे, ठीक है। नंबर वन की एनर्जी है विद द मैजिशियन कार्ड, तो जो लोग भी मैनिफेस्ट किए हैं कॉल को या फिर काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे तो आपके पर्सन वापस आ सकते हैं इस टाइम पे। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है, स्ट्रेंथ कार्ड, आपके पर्सन अपनी पावर में है, ठीक है, स्ट्रेंथ यहाँ पर पावर दिखा रहे हैं, आपके पर्सन अपनी पावर में है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी के साथ भी लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, काटअप कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी में है। यस, लव मैरिज करना चाहते हैं आपके पर्सन या फिर खुद की लव लाइफ के लिए वो स्टैंड ले रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ बहुत लड़ाई झगड़े की एनर्जी है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन अपनी पावर में है, ओके, अपनी स्ट्रेंथ में है और जो भी जगलिंग फेस है, जिन भी थर्ड पार्टी में वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पर बैलेंस हो नहीं रहा है, बैलेंस बिगड़ चुके हैं पूरी तरीके से, हर रोज़ लड़ाई झगड़ा, ओके, जिस वजह से आपके पर्सन उस सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हैं या फिर बिल्कुल तैयार है, फाइट कर रहे हैं उस सिचुएशन में, ठीक है, फाइट करने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वो खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं। सो डेफिनेटली जब वो खुद के लिए स्टैंड लेंगे तब आपकी तरफ ही अच्छा रिजल्ट आएंगे। विक्ट्री का कार्ड यहाँ से आया हुआ था, सो विक्ट्री क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें, विक्ट्री क्या बताना चाहते हैं, विक्ट्री प्लीज एंजल गाइड करें, ओके,
स्टेबिलिटी मिलेगा, काफ़ी सारे लोगों को कमिटमेंट रिसीव हो सकता है क्योंकि आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। जैसे कि ये क्वीन जो है पेंटिकल को अपने लैप पर लेकर बैठे, दोनों हाथों में पकड़ के बैठे, इनकी आंखें उनकी पेंटिकल के ऊपर है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन भी आपको इस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, साथ ही साथ आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। सो और एक सिचुएशन को वो एंड कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से 10 of Swords विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, 10-10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10 है। और यहाँ से देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ से आया था, यहाँ से किंग ऑफ पेंटिकल। सो कोई ना कोई कर्मा रिलीज की एनर्जी है, जहाँ पर कार्मिक सिचुएशन था, कर्मा की वजह से आपके पर्सन जुड़े हुए थे, वो सिचुएशन एंड हो रहा है, 10-10 की एनर्जी है। और यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है। सो काफ़ी सारे हस्बैंड वाइफ के बीच रिश्ता अगर खराब चल रहा था, ठीक है, यानी टॉक्सिक था, आप एक साथ थे, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहा था, या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, वहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ पर एंडिंग की एनर्जी है और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन अपने करियर में भी न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ कोई ना कोई कार्मिक एनर्जी यहाँ पर एंड हो रहा है, स्पेशली जिनके भी साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप था, हर रोज की लड़ाई झगड़ा, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी। ओके चलो क्लैरिफाई करते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग, प्लीज इनको गाइड करें नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। यहाँ पर टू फेस क्यों आया है, यहाँ पर टू फेस क्या दिखाना चाहते हैं। पॉवर्टी, आपके पर्सन के लाइफ में पॉवर्टी है, पैसों की वजह से लड़ाई झगड़ा, गरीबी की वजह से लड़ाई झगड़ा, यानी फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और एक तरीके का ये जो कार्ड है 10 of Swords का कार्ड है, 10 के साथ यहाँ पर काटरी की एनर्जी है, तो डेफिनेटली एक सिचुएशन को आपके पर्सन एंड कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी जीत में है, अपने पावर में है, मास्कुलाइन डोमिनेटिंग एनर्जी में है। कॉन्सर्न क्यों आया है, प्लीज इनको गाइड करें। ओके अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है आपके पर्सन, क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या जिन भी करियर पाथ को वो चूज़ करेंगे, या फिर जिन भी करियर में वो काम कर रहे हैं, या तो उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और इस बार वो सोच रहे हैं क्या इस बार मैं जो काम करूँगी वहाँ पर क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा, क्या मैं उस काम के ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ, इस टाइप की एनर्जी है। सो फॉक्स क्यों आया है, इसलिए यहाँ पर फॉक्स क्या दिखाना चाहते हैं। हाँ तो लॉसेस हो रहे हैं, तो वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उसको हिडन रखा है आपके पर्सन कि कौन, मतलब करियर में वो न्यू बिगनिंग कर रहे हैं लेकिन उस चीज़ को वो हिडन रखा है। बैड हेल्थ, प्लीज इनको गाइड करें, बैड हेल्थ किसका है, फॉल्स पर्सन वेल्दी मैन, किसी का हेल्थ इशू है, हो सकता है आपके पर्सन की घर में किसी का हेल्थ इशू है, जिसको आपके पर्सन जिसके बारे में आपको नहीं पता है, ऐसा भी हो सकता है। फॉल्स पर्सन के साथ डेथ कार्ड है, सो जो भी यहाँ पर फॉल्स पर्सन है वो सिचुएशन एंड हो रहे हैं, ओके, या फिर आपके पर्सन कई बार दिखाते हैं कि उनके पास पैसा है, वो रिच है, वो वेल्दी है, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। और हेल्थ इशू के साथ डेथ कार्ड आया है, तो कुछ मैसेज ऐसा भी हो सकता है कि किसी का काफ़ी टाइम से हेल्थ इशू चल रहा था और डेथ हो सकते हैं, ये भी एनर्जी हो सकते हैं। और एक चीज़ है फॉल्स पर्सन, तो कोई भी अगर फॉल्स पर्सन है उनके लाइफ में, या फिर किसी का हेल्थ इशू है जिसको छुपा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, जो चीज़ सामने नहीं आने दे रहे हैं। सो अचानक से आपको मैसेजेस आ सकते हैं, या फिर आपके पर्सन को मैसेजेस आ सकते हैं कि किसी का हेल्थ इशू है, ये भी मैसेज यहाँ पर रिसीव हो रहा है। हाई ऑनर, ओके हाई ऑनर को यहाँ पर मून एंड आउल ने क्लरिफाई किया है, जो कि दोनों ही कार्ड स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन को दिखाते हैं। सो इस टाइम पे आपके पर्सन इंट्यूटिवली कुछ काम कर रहे हैं, स्पेशली कुछ लोग को यहाँ पर सोल पर्पस मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जब भी इंट्यूशन गाइड करते हैं ना, सो हमारे सोल पर्पस की तरफ गाइड करते हैं, या फिर जिन भी काम में हमें पैशन है, ठीक है, उस काम की तरफ पुश करते हैं, जिन काम में हमें हैप्पीनेस मिलते हैं, या फिर जिन काम के लिए हम आए हैं धरती पे,
तो उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है, नेचर उनको गाइड कर रहे हैं, उनके स्पिरिट एनिमल स्पिरिट गाइड उनको गाइड कर रहे हैं। तो इस टाइम पे ड्रीम में उनको कुछ गाइडेंस रिसीव हो सकते हैं और डेफिनेटली आपके पर्सन खुद की इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। और इस टाइम पे वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। यस, बॉटम से ओवरऑल एनर्जी में आप है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, यस, आपके साथ घूमने जाना चाहते हैं। कई बार उनको लगता है वो आपके साथ कहीं ना कहीं जर्नी में है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। सो आप में से मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग हो सकते हैं कि लव लाइफ के लिए इंतज़ार कर रहे हो, शादी के लिए इंतज़ार कर रहे हो, रियूनियन के लिए इंतज़ार कर रहे हो आप लोग, ठीक है, करंट सिचुएशन में, या फिर आने वाले समय में भी आप इंतज़ार में हैं। स्पेशली आने वाले 3 डेज के अंदर आप इंतज़ार में रह सकते हैं कि आपकी लव्ड वन के साथ आप कहीं घूमने जाएंगे, डेट पे जाएंगे, या फिर शादी कब होगा, इन सारे थॉट्स आपके दिमाग में रह सकता है। और यहाँ पर आपके पर्सन जो है खुद की इंट्यूशन को फॉलो करेंगे और लव लाइफ में न्याय करेंगे। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन जो है लीगल मैरिज के बारे में सोच रहे, कोर्ट मैरिज के बारे में सोच रहे, रिश्ते को सिक्योर करने के बारे में सोच रहे आने वाले 3 से 5 दिन। ओके, सिक्योरिटी क्यों आया है यहाँ पर? ओके, करियर में सिक्योरिटी या तो उनको मिल जाएंगे या फिर उनको इतना नॉलेज है कि उस नॉलेज और इंट्यूशन को फॉलो करते करते वो करियर में खुद को सिक्योर करेंगे, ठीक है, और उनका डेस्टिनी उनको वहाँ पर लेकर ही जा रहे हैं, ठीक है। सो उनका डेस्टिनी उनको उनकी करियर के तरफ पुश कर रहे हैं। डेस्टिनी में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज़ है, गिफ्ट है उनके लिए। सो काफ़ी टाइम से आपके पर्सन एक रफ सिचुएशन फेस कर रहे हैं, रफ एंड टफ सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो आने वाले समय में डिवाइन उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट रखा है, स्पेशली आपके पर्सन के लिए, ओके, या फिर आपके लव लाइफ के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट यहाँ पर डेस्टाइंड है, डेस्टिनी में गिफ्ट लिखा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिले। गिफ्ट कहाँ पर है, करियर में है या फिर लव लाइफ में, डेस्टिनी के साथ? ओके, लव लाइफ में भी है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए लव लाइफ से रिलेटेड भी आपके लिए, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, मेरे घर में छोटी सी एक बच्ची है। सो गाइस, जो भी मैं बोल रही थी, देखिए यहाँ पर आपके पर्सन एक मैच्योर डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, खुद के करियर के लिए भी और लव लाइफ के लिए भी, और ये डेस्टाइन है। तो आपके पर्सन अपने जिद में हो सकते हैं और उनको पता है अगर करियर में प्रॉब्लम चल रहा है तो कोई ना कोई ट्रिक उनको यहाँ पर यूज़ करना होगा, इंट्यूशन को फॉलो करने होंगे, तब जाके वो अपनी डिप्रेशन से बाहर आ सकते। तो ये डिवाइन की तरफ से मुझे गिफ्ट नज़र आ रहा है। या तो फिर ऐसा भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन कुछ गिफ्ट प्लान कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है जिसकी वजह से वो आपको वो गिफ्ट नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए वो सबसे पहले खुद की फाइनेंस को ठीक करना चाहते हैं, उसके बाद आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, ये भी एनर्जी है। सो आप देख लेना कि आपके सिचुएशन के साथ कैसा जा रहा है। जो भी मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे थे इस कार्ड में से मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लव्ड वन की फीलिंग्स क्या है, ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो 2 कार्ड्स मैं हिडन फीलिंग्स से लेने की कोशिश करूँगी। कॉन्फेशंस ऑफ सोलमेट, तो जो चीज़ आपके पर्सन आपसे कॉन्फेस नहीं किए हैं लेकिन है कहीं ना कहीं उनके दिल में, वो चीज़ हम देखेंगे। प्लीसेंशियल गाइड करें कौन सी चीज़ को कॉन्फेस नहीं कर रहे मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन, कौन सी चीज़ को वो बोल नहीं पा रहे, जता नहीं पा रहे लेकिन है उनके दिल में, ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन को बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन को बोल नहीं पा रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं तो उस दोनों को ही हम सॉरी सबसे पहला तो यहाँ पर लव आया है, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। सो आपके पर्सन आपको प्यार करना चाहते हैं और आप दोनों की जो रिश्ता है वहाँ पर प्यार को और बढ़ाना चाहते हैं, व्हिच यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। तो आपके पर्सन बोल रहे हैं मैं आपको इतना प्यार करती हूँ या फिर करता हूँ या फिर करूँगा जो आप कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, ठीक है, एहसास नहीं हुआ है उस प्यार की आपको।
आई वॉन्ट इंटीमेसी इन एवरी वे पॉसिबल विथ यू. आपके पर्सन आपके साथ एक क्लोजर वाला मोमेंट चाहते हैं और सोल मार्जिंग वाली एनर्जी को फील करना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, ट्रू लव की वाइब्रेशन को फील करना चाहते हैं. ठीक है, बहुत डीप यहाँ पर इस लव की जो मैसेज है, यहाँ पर एक बहुत डीप लव मुझे फील हो रहा है मैसेज को रीड करते हुए. सो डेफिनेटली यहाँ पर इंटीमेसी की बात आई है, तो आप मत समझिएगा कि ये कुछ गलत इंटेंशन है इनका, नहीं है. जो भी मैसेज आए हैं, जिनके लिए भी ये मैसेज आए हैं, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है इस वर्ड में जैसे कि आपके पर्सन आपको ट्रूली अपनी सोल से प्यार करते हैं और उनको वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी प्यार के जरिए. ठीक है, सो कभी भी ये मैसेज जो है कोई गलत इंटेंशन को शो नहीं कर रहे, ये प्योर लव ट्रू लव को दिखा रहे हैं. ठीक है, प्योर लव के बिना क्रिएशन होता ही नहीं है इस दुनिया में. सो आप और हम और पेड़ पौधे एनिमल जो भी इस धरती पे आ रहे हैं ट्रू लव की वजह से आ रहे हैं, और जब भी प्यार है तब जाके हम लोगों का जो है अस्तित्व है इस दुनिया में. आई जस्ट वांट अस टू नो इच अदर लाइक नो वन एल्स बिफोर. तो आपके पर्सन बोल रहे हम दोनों एक दूसरे के हम दोनों एक दूसरे को ऐसे जानेंगे, ऐसे समझेंगे, ऐसे प्यार करेंगे जैसे कि इसके पहले कभी कोई नहीं किया होगा. ओके, सो यू टच एंड योर वॉइस रियली हिल्ड मी. योर टच एंड योर वॉइस रियली हिल्ड मी. और आपके पर्सन बोल रहे हैं आपका जो टच है, आपकी जो वॉइस है, आपका जो प्यार है, उनको हील कर देते हैं जो भी उनके दिल के अंदर की जो भी दुख दर्द है, या फिर इतने टाइम से वो जो भी दुख दर्द को झेलते आ रहे हैं. सो जब भी वो आपके साथ बात करते हैं वो हील हो जाते हैं, जो जब भी वो आपके टच में आते हैं उन वो हील हो जाते हैं. तो ये मैसेज ना मुझे बहुत प्योर लग रहा है, प्योर दिल से प्योर हार्ट से वो बोल रहे हैं आपको, एक ट्रू लव मुझे फील हो रहा है. प्रोटेक्टेड, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू माई लव इवन वी आर टुगेदर और नॉट एट दिस टाइम. तो आपके पर्सन बोल रहे हैं मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूँगी एक फ्लावर की तरह. ओके, एक फ्लावर जैसे नाजुक होते हैं तो आपको एक नाजुक फ्लावर की तरह वो प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, चाहे आप दोनों साथ हो और नहीं हो. माई हायर सेल्फ इज ऑलवेज विथ यू. उनका जो सोल है, उनका जो हायर सेल्फ है, वो हमेशा आपके साथ रहता है, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में आप हमेशा रहते हो, जिसकी वजह से वो कह रहे कि मैं तो हमेशा ही आपके साथ हूँ, भले ही फिजिकल वर्ल्ड में हम दोनों अलग है, अलग अलग जगह पे रहते हैं. आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू एंड दी लव वी शेयर. तो डेफिनेटली वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके रिलेशनशिप को और आप दोनों के बीच की जो लव है उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे. आई विल कीप boundaries around my heart that the only you can cross that. Yes, आपकी पर्सन बोल रहे हैं मैं मेरे दिल के आसपास एक boundary line रखूँगी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप एंट्री कर सकते हो. ठीक है, बात अगर दिल की हो, बात अगर प्यार की हो, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी एंट्रेंस रहेगा, जहाँ पर किसी दूसरे की एंट्रेंस नहीं हो पाएंगी. राइट, ऐसी बाउंड्री आपके पर्सन खींचेंगे. तो जैसे ही हमारे बेडरूम में बहुत ज़्यादा लोगों के एंट्रेंस नहीं हो पाते, बहुत करीबी लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स होते हैं, क्लोज्ड वन होते हैं, सो उनके साथ ही कई बार हम लोग जो है अपने खुद की बेडरूम में आ पाते हैं. या फिर आप बहुत अच्छी तरीके से बोलो तो अपना बेड आप किसके साथ शेयर करते हो, तो जो भी क्लोज्ड वन होते हैं उनके साथ, तो वही चीज़ उस टाइप की चीज़ है कि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको ही आने देंगे अपनी दिल में, किसी और को नहीं. ठीक है, सो बहुत प्यारी सी दो मैसेज निकल कर आए हैं, गाइडेंस हम लेंगे. ओके, लव ओरेकल से गाइडेंस लेते हैं. क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है. विश, आपका विश फुलफिल होने वाले हैं. सॉरी,
सो समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ. आप देख पा रहे हैं कार्ड्स को, मैं बहुत क्लोजली दिखाने की कोशिश कर रही हूँ. समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ, जिनको आप विश किया था, जिनको आपने मैनिफेस्ट किए थे, वो आपके लाइफ में बहुत जल्दी आ रहे हैं. और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है, प्लीज़ इनसे गाइड करें. ओके, दो कार्ड्स आ चुके हैं. सैक्रीफाइस, लव में काम विथ सैक्रीफाइस. इवेल्यूएट व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप. तो कई बार हमको कुछ सैक्रीफाइस भी करना पड़ता है, तो आपके पर्सन आपको पाने के लिए हो सकता है कुछ चीज़ों को वो इस टाइम पे सैक्रीफाइस कर रहे हैं. जैसे कि एक दिन उन्होंने आपको सैक्रीफाइस कर दिया था, वैसे हो सकता है अभी उनको रियलाइजेशन है आपके वर्थ, आपके प्यार, तो जिस वजह से वो अभी किसी अदर सिचुएशन को सैक्रीफाइस कर रहे हैं. और लव के लिए, ट्रू लव के लिए सैक्रीफाइस करना ही पड़ता है. इंडिविजुअलिटी, बी वेरी ऑफ पॉजिटिव पार्टनर. आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत पॉजिटिव है आपके लिए. मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी. तो कई बार आपके पर्सन जो है खुद की जेलसी की वजह से या फिर पॉजिटिवनेस की वजह से वो कुछ चीज़ों को आपके ऊपर मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा ड्रेसअप ना करो, या फिर यहाँ वहाँ ना जाओ, इसके साथ बात ना करो, उसके साथ बात ना करो, इस टाइप की जो बाउंड्रीज लगाते हैं. तो कई बार तो लिमिट के अंदर तो ठीक है, फिर वो चीज़ कई बार आपके ऊपर बोझ बन जाते हैं, बर्डन बन जाते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. आपकी खुद की भी एक चॉइस होना चाहिए, आपकी खुद की भी एक रुचि होनी चाहिए कि कितने हद तक आप कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा उनकी बातों को रिलाय कर रहे हो अपनी लाइफ में और खुद घुट घुट कर जी रहे हो, ठीक है, परेशान हो चुके हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो आपको एक हेल्दी जो पॉजिटिवनेस है उनको मेंटेन करनी है कि ये सबके पर्सन पॉजिटिव है आपके लिए, लेकिन आपको भी खुद के लिए जीना है. उनकी हर एक बात को आप मान लोगे तो दिन ब दिन वो आपके ऊपर उस चीज़ को और ज़्यादा बोलते रहेंगे, ठीक है, और ज़्यादा वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे. तो आपको खुद के लिए भी एक बाउंड्री करनी है ताकि आप खुद की चॉइसेस को खुद फॉलो कर सको, ठीक है. बहुत ज़्यादा फोर्स ना हो जाओ किसी काम को करने के लिए कि मेरे पार्टनर कह रहे हैं, मेरे पार्टनर को पसंद नहीं है तो मैं नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है. तो आपका खुद का भी एक पर्सनालिटी होना चाहिए कि मुझे जो पसंद है मैं वो करूँगी, चाहे मेरे पार्टनर को पसंद हो ना हो, ठीक है. सो हर बार अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो वो हर बार आके आपके ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं. तो जो ट्रू लव होते हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन कई बार हो जाते हैं. तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है. इल्यूशन, बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूशन, सी रियलिटी क्लियरली. तो कुछ लोग यहाँ पर देखिए इल्यूशन में अटक चुके हो, ठीक है. सो कुछ लोग हो सकते हो अच्छे रिश्ते में नहीं है. दो मैसेजेस मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है कि मेरे व्यूअर्स में से सब लोग जो है ठीक रिश्ते में नहीं है. कुछ लोग हो सकते हैं ऐसा रिश्ते में हो जहाँ पर आप इल्यूजन में फंस चुके हो. तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने रीडिंग की शुरुआत में आपको कहा कि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए, जहाँ पर आपको फील हो कि ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है. आपका इंट्यूशन अगर स्ट्रांग होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मैसेज पूरे रीडिंग में, जनरल प्रेडिक्शन में कौन सी चीज़ें आपके लिए है, कौन सी मैसेज आपके रिलेशनशिप के लिए और कौन सी मैसेज आपके रिलेशनशिप के लिए नहीं है. क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन है सबके लिए, मैं बोलती हूँ. तो वही चीज़ है, कुछ लोग इल्यूजन में फंस चुके हो. कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा ऐसा है, मेरे पर्सन की लाइफ में ऐसा हो रहा होगा, या फिर मेरे पर्सन ऐसा मुझे प्यार करते होंगे या फिर नहीं करते होंगे. कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि मेरे पर्सन तो थर्ड पार्टी के साथ अच्छा है. कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रीडिंग देखे कि नहीं, थर्ड पार्टी एंड हो रहा होगा रीडिंग के हिसाब से, ठीक है. तो इसके लिए अगर आपका कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर इल्यूजन में ऑलरेडी फंस चुके हो, आपको रियलिटी समझ में नहीं आ रहा है क्लियरली, तो इसके लिए या तो आप मेडिटेट करें, खुद की इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करें, ओके. अदरवाइज़ आप यहाँ पर पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं एक बार, जहाँ से आपको लेना पसंद है, या फिर जिनका भी रीडिंग आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये गाइडर मुझे जो है अच्छे से क्लैरिटी दे पाएंगे. फिर यहाँ पर देखिए बॉटम से ये सेलिब्रेशन का कार्ड था, तो अचानक से मेरे आँख गए इसके ऊपर. सो सेलिब्रेशन बहुत करीब है आप लोगों की, ठीक है. टुडे सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु
मैटर मोस्ट। तो उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए जो आपके लिए मायने रखते हैं, मतलब जो लोग आपको इम्पोर्टेंट देते हैं, आपके बुरे वक्त पे आपके साथ रहते हैं, आपको हर एक बुरे वक्त पे सपोर्ट करते हैं एटलीस्ट, ठीक है कुछ ना कर पाए तो आपके साथ रहते हैं। इस टाइप के फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। और कुछ लोग के घर में आज के दिन में सेलिब्रेशन हो सकता है जब भी आप देख रहे हो, या फिर आसपास सेलिब्रेशन है, ठीक है आप सेलिब्रेट करने वाले हो, ये भी माहौल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। सो गाइस, ये था गाइडेंस भी है आप लोगों के लिए, मैंने जितना हो सके समझाने की कोशिश किए है आपको, और बाकी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से आप सुनिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और वैसे मैं गाइडेंस देती रहती हूँ, फिर कभी मैं आपको बताऊंगी रीडिंग में। फिलहाल टाटा गाइस, जो लोग न्यू आए हैं, रीडिंग अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली चैनल पे बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल नेम याद रखें एंजल ड्रीम 111 टैरोट, एंजल ड्रीम 111 टैरोट। सो ताकि आपको आप खो ना दो मेरे चैनल को, बहुत सारे चैनल होते हैं, एक तरीके का नाम होता है। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, मैं हर रोज़ रीडिंग डालती हूँ इस तरीके का, जिनको भी पसंद है आप बने रहो मेरे साथ, और लाइक करो, कमेंट डेफिनेटली करो रीडिंग कैसा लग रहा है। जो लोग पुराने हो, हर रोज़ मेरी रीडिंग को देख रहे हो, उनको लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक्स मेरे साथ बने रहने के लिए। बाकी आप लाइक करो, कमेंट करो, हो सके तो शेयर करो। फिलहाल टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।